तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, कि अगर आपको कोई नई लाइन या कोई नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना है तो फिर प्रॉब्लम आती है कि वेदर अ न्यू प्रोडक्ट और लाइन शुड बी एडिड और नॉट, है ना, जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें वो ऐड करना है, तो फिर आपको डिसीजन लेना होगा कि वो बेनिफिशियल है या नहीं। अगर ये इंट्रोड्यूस किया जाता है तो जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उससे क्या आपका कॉन्ट्रीब्यूशन या आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, है ना। तो फिर यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगी, है ना, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है तो फिर हम डिसीज़न ले लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को इसमें ऐड कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यही है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन और डिपार्टमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और लाइन इन्वॉल्व्स डिसीजन इन टू रिस्पेक्ट टू आस्पेक्ट है, कि दो डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, वेदर अ न्यू प्रोडक्ट और लाइन शुड बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन और नॉट, कि सबसे पहला कि नया प्रोडक्ट उसमें ऐड किया जाए या ना किया जाए। सेकेंड, अगर ये किया जाए, इफ़ इट शुड बी इंट्रोड्यूस देन वट शुड बी द मॉडल, क्या मॉडल होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए नए प्रोडक्ट का। इन अदर वर्ड्स, इफ़ न्यू प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस इन मोर देन वन मॉडल, कि एक से ज़्यादा मॉडल में भी अगर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है तो विच मॉडल शुड बी इंट्रोड्यूस, कौन सा मॉडल इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो इसका जो डिसीज़न है इस स्टेटमेंट का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर, लेकिन अदर जो रेलेवेंट फैक्टर्स हैं दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन को तो देखा ही जाता है ऑब्वियसली, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन ऑल इट्स पॉसिबल मॉडल शुड बी कंसिडर्ड, मार्जिनल कॉस्ट और वी कैन से वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। तो इसमें हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे कि कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है और उसके लिए एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी चाहिए या जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो भी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उसको भी कंसिडर किया जाता है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 इसी से रिलेटेड है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी कंपनी लिमिटेड, ये आपको प्रोडक्ट एक्स रिलेटेड डिटेल दी है, सेल्स है, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। आगे बता रहा है, कंपनी नाउ प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट जेड, एक नया प्रोडक्ट के बारे में वो सोच रही है इंट्रोड्यूस करने के बारे में, सो दैट सेल्स में भी इंक्रीज बाय 10,000, ताकि सेल 10,000 से बढ़ जाए। इट मीन्स आपकी जो सेल है जो पहले कितनी है 50,000 वो अब 10,000 से बढ़ जाएगी अगर हम ये नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। देयर विल बी नो राइज इन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई इंक्रीज नहीं होगा, एंड एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जेड, है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें क्या चेंज होगा, मटेरियल होगा 4,800, लेबर 2,200, ओवरहेड 1,400। आपसे पूछा है एडवाइस कीजिए वेदर प्रोजेक्ट जेड विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। तो अब देखिए ये दोनों सिचुएशन हम देख लेंगे, प्रोजेक्ट एक्स का जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तो देखो 20,000 आपका डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है कितना 10,000, वेरिएबल ओवरहेड है 5,000, है ना, इनको ऐड करेंगे ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट, सेल कितनी है 50,000, तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 15,000। अब अगर प्रोजेक्ट जेड इंट्रोड्यूस करते हैं तो मटेरियल की कॉस्ट जो बढ़ेगी वो कितनी है 4,800, लेबर की कॉस्ट जो बढ़ेगी 2,200 और ओवरहेड की कॉस्ट जो बढ़ेगी वो है 1,400, तो टोटल देखो 8,400। अब यहाँ पर 10,000 आपका जो है वो सेल बढ़ेगी, है ना, 50,000 से 60 हो जाएगा, तो जब ये 10,000 की सेल बढ़ेगी तो ये 1,600 जो डिफरेंस है वो क्या है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, पहले कंट्रीब्यूशन था 15,000, अब 1,600 हो गया, इट मींस अब आपका जो टोटल अगर हम इसका करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 16,600, ये सब का टोटल किया हुआ है, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो 10,000 ही रहेगी चाहे आप इसका प्रोडक्शन करें या ना करें, तो अब देखो आपका जो प्रॉफिट है वो भी 6,600 है जो पहले कितना होता 15 - 10 5,000, इट मींस आपका प्रॉफिट भी 1,600 से 1,660 है उससे बढ़ेगा, तो फिर इट मींस जो प्रोडक्शन है मतलब ये इसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए, है ना, कि अगर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ये प्रॉफिटेबल है।